सब्सक्राइब कीजिए पियरलेस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी चिली गार्लिक एग नूडल्स। बनाना बहुत आसान है और इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल है, तो फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ना हमें कुछ सब्जियों को काट लेनी है। मैंने यहाँ पे थोड़े से शिमला मिर्च काट ली है, थोड़े से गाजर लिए हैं, थोड़े से पत्ता गोभी ली है, एक छोटे साइज का प्याज ली है, थोड़े से बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, दो बड़े चम्मच जितना बारीक कटा हुआ लहसुन और एक बड़े चम्मच बारीक कटी हुई अदरक ली है। आपके घर में अगर बीन्स हो ना तो आप वो भी ले सकते हो। और उसी के साथ में हम लेंगे अंडे। मैंने यहाँ पे दो अंडे लिए हैं रूम टेम्परेचर का। अंडे में हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, इसको कर देते हैं साइड पे और ले लेते हैं चाउमीन। मैंने ना यहाँ पे चाउमीन को थोड़े से तोड़ के ली है। आप चाहो तो लंबा लंबा चाउमीन भी रख सकते हो, लेकिन इस तरीके से तोड़ने से होता क्या है दोस्तों, आपको ना मिक्स करने में आसानी होती है। तो गैस पे ना एक पतीले में ले लेना पानी, पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेना और उस गर्मा गर्म पानी में डालना है आपको नमक। अच्छे से इसको मिला देना है। नमक पानी में नहीं डालोगे ना तो चाउमीन के अंदर तक नमक जाएगी ही नहीं। तो सारे के सारे चाउमीन को हम इसमें डाल देंगे और चाउमीन को हमें ना ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, इसे बस थोड़ा सा हम नरम कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसको रखनी है कम से कम 10 से 12 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। एक बार आप चेक कर लेना कि पके हैं या नहीं। और सबसे आसान तरीका है क्या, आप ना एक खा के ही देख लो। तो ये आसानी से टूट रही है, ये अच्छे से कुक हो चुकी है, मतलब कि हमें इसे कुक करना है बस 50% तक। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे पानी में से और इसको ना ठंडे पानी से धो लेंगे। धोने से इसके अंदर जो स्टार्च है ना वो चली जाती है और अपना चाउमीन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। तो मैंने तो इसको अच्छे से धो ली है। अभी हम इसके ऊपर से डाल देंगे तेल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल देना 3 से 4 बड़े चम्मच जितना, और अच्छे से इसको आपको मिला लेना है। और इसके बाद इसको ना आप रख सकते हो एक एयरटाइट कंटेनर में, फ्रिज में रख देना। अगले रात को रख दोगे ना तो नेक्स्ट डे आप सुबह को ब्रेकफास्ट में इसको बना पाओगे या फिर बच्चों के टिफ़िन में भी जल्दी जल्दी में पैक करके दे पाओगे। तो बस इसको अब हम लेके चलते हैं सीधा गैस की तरफ। गैस पे आपको लेनी है एक कढ़ाई जिसका जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो गोल हो, चपटा वाला नहीं चाहिए। तो उसमें हम डाल देंगे तेल, 2 से 3 बड़े चम्मच जितना तेल पहले गर्म कर लेना। और उसके बाद उस तेल में हम डाल देंगे अंडे का मिक्सचर। फ्लेम को आपको रखनी है मीडियम पे। हम ना आज अंडे को भुर्जी में नहीं बनाएंगे, इसको हम ऑमलेट बनाएंगे। पलटते हुए पहले हम इसको ऑमलेट बना लेते हैं, उसके बाद आप इसको तोड़ लेना। तोड़ने के टाइम पे ना दोस्तों ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं करना, क्योंकि एग नूडल्स खा रहे हैं ऐसा लगना भी तो चाहिए है ना, एग दिखने चाहिए। ज़्यादा छोटे छोटे कर दोगे ना तो चाउमीन के साथ वो मिल जाएगी और एग दिखेगी ही नहीं। तो बस इतने बिल्कुल काफ़ी है। ये अच्छे से फ्राई भी हो चुकी है और इससे छोटा आपको करना भी नहीं है। इसको निकाल लेना कढ़ाई में से और उसी कढ़ाई में डालना है 3 बड़े चम्मच जितना तेल। उसमें हम डाल देंगे ये बारीक कटी हुई लहसुन को। लहसुन को ना 1 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे गाजर। ये गाजर में भी थोड़ा सा फ़र्क है दोस्तों, दो कलर के गाजर आते हैं ना, ये लाल वाले थे तो इसलिए ना गाजर को मैंने थोड़ा सा पहले डाला है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है 1 छोटा चम्मच जितना अदरक, मतलब कि चॉप्ड अदरक। और उसके बाद ये प्याज हम डाल देंगे। फ्लेम को आपको रखनी है हाई पे। प्याज डालने के बाद हम प्याज को ना बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे, 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये शिमला मिर्च, आप कोई भी कलर के शिमला मिर्च ले सकते हो। ये सारे के सारे जो सब्जियाँ हैं ना दोस्तों, इसे हमें थोड़ा सा बस
फ्राई करनी है। इसकी जो क्रंचीनेस है ना वो बरकरार रहनी चाहिए। तो बस 2 मिनट के बाद इसमें डाल देना बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, अच्छे से इसको मिला लेना। पत्ता गोभी को ना हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि वो तो बहुत ही जल्दी नरम हो जाती है। तो 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 2 से 3 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस और विनीगर भी मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच भी डाल दी है। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, सॉस डालने के समय ना फ्लेम को आपको रखनी है बिल्कुल लो पे। उसके बाद ये अंडे को हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही ये मिक्स हो जाएगी फ्लेम को हम कर देंगे हाई पे और ये पत्ता गोभी को हम इसमें डाल देंगे। फटाफट से इसको हम मिला लेंगे, पत्ता गोभी को नरम होने का चांस हम नहीं देंगे। बस इसकी जो एक कच्चापन होता है ना वो चली जानी चाहिए। तो बस 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको हम ऐसे ही चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये चाउमीन। अब चाउमीन देखो दोस्तों कितने ज़्यादा खिले खिले हैं। बस जैसा स्टेप्स मैंने आपको बताया है ना बिल्कुल वैसे ही आप करना। इसको अच्छे से मिला लेना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि चाउमीन ना आप बस मिला लेते हो और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाती है आप इसे सर्व कर देते हो, ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाउमीन को ना अच्छे से फ्राई करना होता है। अगर फ्राई नहीं करोगे ना तो इसमें ना टेस्ट ही नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि मैदे के ऊपर आप सॉस मिला के बस खा रहे हो। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर ना आपको इसे स्टायर करते हुए फ्राई करनी है। और उसके बाद आप देखना कि इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे ही मिलेगी। तो दोस्तों अपनी रेस्टोरेंट जैसी चिली गार्लिक एक नूडल्स बनके बिल्कुल रेडी है। कोई भी ना इसे देख के या फिर खा के भी बता ही नहीं पाएगा कि इसको आपने घर में बनाई है। तो एक बार इसको ट्राई करना तो बनता है। और बना के ना मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले चिली गार्लिक एक नूडल्स कैसे बने हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को ताकि इस तरह की वीडियोस में आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ।